हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि भृंगराज का तेल आप किस तरीके से घर में बनाओगे। तो अगर आपके पास रियल भृंगराज का पौधा है, लाइक इस तरीके का अगर पौधा है, तो आप इससे भी बना सकते हो। और जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से भृंगराज को आप घर में स्टोर कर सकते हो सुखा के, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा होगा तो आप एक बार देख लो, मैं आई बटन पर लिंक डाल रही हूँ। तो अगर आपके पास सूखा हुआ भी भृंगराज है तो उससे भी आप सिमिलर ही तेल घर पर बना सकते हो और कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। जिनके पास भी कच्ची पत्तियां है या जिनके पास भी सूखा हुआ है, दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारे बालों के लिए। जैसे कि सबको पता ही है कि भृंगराज को आयुर्वेद में केशराज का नाम दिया गया है और इसके आंचलिक नाम काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग अलग है। जैसे बंगाली में केश उत्पाता कहा जाता है, इसके और भी काफ़ी ज़्यादा भांगड़ा, केशराज, इस तरीके से काफ़ी अच्छे मतलब अलग अलग नाम है। तो आप अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे अदर्स वीडियो देख सकते हो, उसमें भी मैंने मैंशन किया है, वरना आप इसको गूगल कर सकते हो। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप घर में भृंगराज का तेल बना सकते हो। मार्केट से खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें प्रिजर्वेटिव होते, आपको क्या पता कि उन्होंने उसमें भृंगराज डाले होंगे या नहीं होंगे। आप खुद अपने हाथों से बनाओ और बालों के लिए इतना ज़्यादा यह अच्छा है, आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा, आपके जो भी ग्रेइंग की जो प्रॉब्लम आ रही है, सफ़ेद होने का जो प्रॉब्लम आ रहा है, बाल धूप में टैन पड़ जाते, लाल पड़ जाते, उससे भी आपको इस तेल से निजात मिलेगा। जिनको भी बाल झड़ते हैं उनका बाल झड़ना रुक जाएगा, जिनको नए बाल नहीं उगते ना तो उनका नए बाल उगना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। डैंड्रफ के लिए भी अच्छा है। ओवरऑल ये आपके हेल्थ मतलब बालों की जो हेल्थ है ना, ओवरऑल आपके ये बालों की हेल्थ को अच्छा बनाता है। तो चलिए और ज़्यादा ना बात करके शुरू करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो मैंने थोड़े से भृंगराज के पौधे थोड़े से उठा लिए। आप जैसे इसके हर एक पार्ट को यूज़ कर सकते हो, यही सारे मैंने दूसरे दूसरे वीडियो में भी समझाए हैं। तो इसको थोड़ा सा साफ़ करना होता है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होते हैं। तो आप इसको धोने के बाद भी इस तरीके से टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, या आप टुकड़े टुकड़े करने के बाद भी धो सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हो। और इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कर लेना बहुत अच्छा होता है, ताकि आपको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो। तो आपको इस तरीके से कढ़ाई लेना है, अगर हो सके ना तो आयरन यानी कि लोहे की कढ़ाई अगर आप लेते हो ना तो उसमें तेल काफ़ी अच्छा बनता है। तो मैंने इसके अंदर पहले कोकोनट ऑयल डाला है यानी कि नारियल का तेल, और आँच को आपको बहुत ज़्यादा धीमी रखनी है। अब जो हमने पत्ते धोकर रखे थे उसको आपको इसी ठंडे तेल के अंदर यानी कि तुरंत आपको डाल देना है। हमें बिल्कुल भी इसको फ्राई नहीं करना है इसके अंदर। तो अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा उसके अंदर आप डालोगे तो वो एक फ्राई जैसा हो जाएगा, पर हमें क्या करना है, हमें इसके एक्सट्रैक्ट्स निकालने, तब बिल्कुल ठंडे तेल में ही तुरंत डालने के बाद आप पत्तों को धीरे धीरे इसके अंदर डाल दोगे। और इसको आपको धीमी आँच पर ही पकाना है, ये मैं बता दूँ। और क्या होता है ना, ये पौधे आपको थोड़े नाजुक दिखेंगे कि पतले पतले हैं, पर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जूस होता है यानी कि काफ़ी ज़्यादा रस होता है। इसके जो डंठल होते हैं उसमें भी भरा हुआ होता है रस। तो सारे रस तेल में मिलने में काफ़ी वक्त लगता है, तो आपको थोड़ा सा वक्त देकर इस तेल को बनाना है, बहुत ईजी नहीं होता है। जैसे आप दूसरे अगर नीम का तेल बनाते हो तो वो आई गेस कि 5-6 मिनट में बन जाता है, पर इसके लिए मुझे 15-20 मिनट मुझे लगे थे, इतना टाइम आपको लगता है। तो इस तरीके से आप धीमी आंच पे इसको इस तरीके से पकाओगे। आखिरी स्टेप मैं आपको दिखा दूंगी, तो वो देखकर आप समझ जाओगे कि किस स्टेप देखने के बाद आप समझ जाओगे कि हाँ अभी ये पूरी तरीके से इसका जो भी जूस था वो तेल के अंदर निकल के आ चुका है। तो जब तक इसका बुदबुदा दिखे और आपको इसकी जो डंटल वो अभी आपको देखने से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जूस है, तो जब तक ये दिखे ना, जैसे अभी आप देख रहे हो इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, पर और भी इसमें से काफ़ी ज़्यादा जूस निकलेंगे और कलर थोड़ा सा और निखर के आएगा। इधर एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी बार किया हुआ है तो मुझे पता है, अगर आप कम तेल के अंदर बहुत ज़्यादा पत्ती डालकर पकाते हो ना तो उसका जो आखिरी जो तेल का कलर होता है वो डार्क ग्रीन कलर का होता है यानी कि डार्क हरा कलर का होता है, और आपको इकट्ठे अगर डिबिया में रखते हो तो आपको काला काला दिखता है। पर अगर आपको ऐसा लगे ना हमारे पास बहुत ज़्यादा पत्ते नहीं हैं तो हमने कम पत्ते देकर बनाया है तो उसका रंग ना थोड़ा सा पीला टाइप का आता है, पर इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल करो। मेरे पास दोनों कलर के ही तेल है, मैं आपको एक पिक्चर डाल दूंगी तब समझ जाओगे कि मेरे पास दोनों ही तेल है। कभी पत्ते ज़्यादा मिलते हैं, कभी पत्ते कम मिलते हैं, तो इस तरीके से मैंने इसको बना के रखा है।
तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है अगर आपको कम मिलते हैं या ज़्यादा मिलते हैं। तो अभी जैसे आप देख पा रहे हो कि अभी बिल्कुल इसका बुदबुदा निकलना बंद हो चुका है, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। तो ऐसे जब ये बन जाए तब आपको देखकर समझ आ जाएगा कि हाँ अभी ये तेल बिल्कुल पक चुका है। तो आप गैस को बंद करके इसको ठंडा करने के लिए अभी इसको रख सकते हो। तो जब पूरी तरीके से ये तेल ठंडा हो जाए, आपको लगे कि ठंडा हो चुका है, तो इस तरीके से एक कॉटन के कपड़े यानी कि सूती कपड़े की मदद से आप इस तेल को एक बोल में छान कर निकाल सकते हो, या आप छलनी का मदद भी ले सकते हो, फिर आपको कपड़ा गंदा नहीं होगा। और फिर इस तरीके से ये आपका तेल बनकर प्रिपेयर हो जाएगा। इसको आप छः महीने से लेकर एक साल तक इसको आप एक कांच की डिबिया में भर के स्टोर कर सकते हो, क्योंकि तेल कांच की डिबिया में ही ठीक ठाक से रहता है। अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करना है तो इसको कांच की डिबिया में भर के रख दो, और बीच बीच में आप इसको थोड़ा धूप दिखा देना, हफ्ते में एक बार या दो बार, दिन में एक दो घंटे की धूप अगर आप दिखा दोगे तो ये साल भर ठीक ठाक रह जाता है। तो इस तरीके से आप इस तेल को बिल्कुल यूज़ करना, बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जब भी आपको यूज़ करना हो आप इसको रात को अप्लाई कर लो अपने बालों में, अपने लेंथ पे भी अप्लाई कर लेना, क्योंकि ये आपके बालों को काला बनाता है, तो लेंथ पे अप्लाई करना भी ठीक रहता है। तो पूरे आपके जड़ों से लेकर बालों की लेंथ तक पूरी तरीके से अप्लाई कर लो, और फिर आप नेक्स्ट डे जब शैम्पू करोगे तो उसमें ये निकल जाएगा। तो ये बेस्ट रहता है कि अगर आप इसको ओवरनाइट के लिए अगर आप इस्तेमाल कर सको तो ये बेस्ट रहता है। मैं भी ओवरनाइट के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ। तो गाइज़ ये था आज का पूरा एपिसोड, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले। आप चाहो तो इस वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो, और चाहो तो कोई अगर बात हो तो मेरे साथ कमेंट पे आप उसको बात भी कर सकते हो। अगर आपको मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइज़ मैंने एक नया बंगाली चैनल स्टार्ट किया है, आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पर। बंगाली लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि दी आप बंगाली में ब्लॉग करो, बंगाली में टिप्स वगैरह दो, तो मैंने उनके लिए एक चैनल मैंने स्टार्ट किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप मुझे इस चैनल पर सपोर्ट करते हैं तो आई विश कि आप मुझे उस चैनल पर भी सपोर्ट करोगे। तो आप चाहो तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और सारे इंडियन लैंग्वेज सिमिलर ही है तो हम समझ ही जाते हैं कि कौन क्या कहना चाहता है। तो आपको मज़ा आएगा एक नया लैंग्वेज सुनने में। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। टिल टेक केयर एंड बाय।